बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शेयर बाजार में मच गया हाहाकार। सेंसेक्स 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। निवेशकों के डूब गए 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे। बार्शी हुआ कांग्रेस द्वारा किया गया अन्ना जगाओ आंदोलन। अनूठे निषेध आंदोलन के साथ अन्ना का जन्मदिन। अन्ना हजारे के चेहरे की प्रतिकृति रख कर किया गया विरोध प्रदर्शन। और गुप्त मुखबिरों की मदद से मिली जानकारी के आधार पर देसी पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार। कुल 26,200 रुपयों का माल किया गया जब्त। विस्तार से अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और मंदी की आशंका के बीच शेयर बाजार में गुरुवार को हाहाकार मच गया। सुबह के सत्र में हरे निशान के साथ खुले शेयर बाजार में बाद में बिकवाली हावी रही और यह गिरकर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गई। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी और मंदी की आशंका के बीच शेयर बाजार में गुरुवार को हाहाकार मच गया। सुबह के सत्र में हरे निशान के साथ खुले शेयर बाजार में बाद में बिकवाली हावी रही और यह गिरकर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गई। कारोबार की शुरुआत में 53,000 से ऊपर खुला सेंसेक्स कारोबारी सत्र के अंत में 52,000 से नीचे पहुंच गया। कारोबारी सत्र के अंत में 30 अंक वाला सेंसेक्स 1045.6 अंक टूटकर 51,495.79 पर बंद हुआ। वही 50 अंक वाला निफ्टी 331.55 पॉइंट टूटकर 15,360.60 अंक के स्तर पर आ गया। शेयर बाजार के रिकॉर्ड गिरावट से निवेशकों के गुरुवार को 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा डूब गए। पिछले 5 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में 3,824.49 अंक की गिरावट आ चुकी है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पंजाब पुलिस की एसआईटी की जांच में सामने आया है कि मूसेवाला की हत्या से पहले उसके बुलेट प्रूफ गाड़ी की भी रेकी की गई थी। बिश्नोई और गोल्डी बरार के शूटर्स ने जालंधर में जाकर पता किया था कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी के शीशे कितने एमएम के है, उसके बुलेट प्रूफ गाड़ी में पीछे बॉक्स है कि नहीं है। बुलेट प्रूफ गाड़ी जालंधर में तैयार की जाती है। मूसेवाला की गाड़ी भी वही तैयार हुई थी। हत्या से पहले फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। ये बात दिल्ली पुलिस की जांच में भी सामने आई है और पंजाब पुलिस की एसआईटी के सूत्रों ने ये बात बताई है। जांच में ये बात तो पहले ही साफ हो चुकी थी कि जनवरी में शूटर्स सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मूसेवाला के साथ 8 सुरक्षा गार्ड है और सबके पास AK-47 है तो बदमाशों ने अपना प्लान बदल लिया। सूत्रों की माने तो इसके बाद पूरा प्लान तैयार किया गया था कि मूसेवाला कौन सी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाता है, गाड़ी कहां पर तैयार करवाई गई है, उसके साथ कौन कौन रहता है, उनके पास कौन से हथियार है। सूत्रों की माने तो इसलिए बिश्नोई और गोल्डी बरार ने अपने गुर्गों को AN-94 जैसे अत्याधुनिक हथियार मुहैया करवाए। AN-94 इसलिए अगर सिद्धू मूसेवाला बुलेट प्रूफ गाड़ी में हो तो भी उसे निशाना बनाया जाए। आज के दौर में लोग भागती दौड़ती जिंदगी से एक ब्रेक लेने के लिए घूमना फिरना पसंद करते हैं। इन लोगों के लिए घूमने का मतलब बस कहीं जाकर छुट्टियां बिताना होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए घूमना पैशन बन जाता है। ये लोग आराम के लिए नहीं बल्कि नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए और खुद के मेंटल पीस के लिए घूमते हैं। इन लोगों की हर यात्रा एक अनुभव होती है। ऐसी ही एक खास अनुभव केरल के एक शख्स ने किया है। केरल के एक शख्स ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये शख्स 27 साल पुराने अपने चेतक स्कूटर से लद्दाख की यात्रा करके आया है। आपने अक्सर देखा होगा और सुना भी होगा कि युवा बुलेट बाइक या जिप पर लद्दाख की ट्रिप करना पसंद करते हैं, लेकिन केरल के इस घुमक्कड़ शख्स ने अपने स्कूटर से लद्दाख की यात्रा की है। केरल से लद्दाख स्कूटर पर, यह सुनने में ही काफ़ी चौंकाने वाला लगता है। केरल से लद्दाख तक की यात्रा के कई वीडियोस इस शख्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए हैं। कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। लोग इस बात से हैरान है कि आखिर ये शख्स स्कूटर पर सामान लादकर केरल से लद्दाख तक कैसे जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस शख्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। केरल के इस शख्स ने ट्रैवलिंग के सारे वीडियोस वेला कुंबान नाम के एक हैंडल से पोस्ट किए हैं। इस युवक के वीडियोस को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। लोग वीडियो पर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपने इज्जत कमाई है,
वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, स्कूटर से लद्दाख जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अन्ना हजारे के जन्मदिन के अवसर पर बार्शी युवा कांग्रेस द्वारा अन्ना हजारे को जगाने के लिए एक अनूठा निषेध आंदोलन आयोजित किया गया था। अन्ना हजारे ने 2011 में कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए महंगाई और बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के खिलाफ व्यापक आंदोलन शुरू किया था। हालांकि भाजपा के पिछले 8 वर्षों के दौरान जब महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी है, अन्ना हजारे ने एक भी आंदोलन नहीं किया है। इसलिए युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अन्ना हजारे पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया है। इसलिए अन्ना हजारे के जन्मदिवस के अवसर पर हम चले अन्ना को जहाने नामक एक विरोध आंदोलन का आयोजन किया गया था। एक कुर्सी पर अन्ना हजारे के चेहरे की प्रतिकृति रखकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। राज्य आणि देशात ज्या ज्या वेळी काही सामाजिक, राष्ट्रीय काही प्रश्न उपस्थित झाले, त्या त्या वेळी अण्णा हजारेंनी त्याला वाचा फोडली, आंदोलनं केली, हा इतिहास सर्वांना माहिती आहे। परंतु जेव्हापासून मोदी सरकार आलं, गेली 8 वर्ष, आजपर्यंत पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, गॅस असेल, बेरोजगारीचा असेल, महागाईनं उच्चांक मांडलेला असेल, अशा अनेक प्रश्न जनतेच्या पुढं उपस्थित झालेले असताना त्याच्यावर अण्णा भाष्य का करत नाहीत असा काँग्रेसमधून आम्हा युवकांनी वेळोवेळी प्रश्न विचारला आणि त्यातून युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष निखिल मस्के, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष विजय साळुंके या सर्वांच्या कल्पनेतून आजचं आंदोलन साकार झालं की आज अण्णांचा वाढदिवस आहे। आम्ही अण्णांना दीर्घायुष्य चिंतितो, भगवंत त्यांना दीर्घायुष्य देवो, आरोग्य देवो आणि समाज उपयोगी कार्य त्यांच्या हातून होवो। ज्या ज्या गोष्टीला सरकार कमी पडतं तिथे तिथं वाचा फोडण्याचं काम पूर्वीसारखंच अण्णांनी करावं, अन्यथा अशी शंका उपस्थित आज या प्रसंगानं आम्ही काँग्रेसच्या माध्यमातून करत आहोत की आपण मागं जी आंदोलनं केली ती मग कोणाच्या तरी सांगण्यावरून केली का? कोणाच्यासाठी तरी सोयी म्हणून केली का? कोणाचं तरी हातचं बाहुलं म्हणून तुम्ही अण्णा ही आंदोलनं केली का? अशी परिस्थिती आमच्या पुढे असा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळं आजचं हे अभिनव आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। थाना डीबी पथक को मिली हुई गोपनीय जानकारी के अनुसार गुना शाखा को सूचना मिली थी कि तहसील थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा सैफी नगर में सरकारी खाद्य सामग्री का अवैध स्टॉक गाड़ी में ले जाया जाएगा। तब गुना शाखा ने गोपनीय जानकारी के अनुसार एक वाहन और गोदाम से 11 क्विंटल चावल और 3 क्विंटल गेहूँ बरामद किया और 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी जानकारी गुना शाखा के पुलिस निरीक्षक विनायक गोल्हे इन्होंने दी है। तहसील पुलिस स्टेशन डीपी पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार तहसील पुलिस स्टेशन हद्दीमधील मोमिनपुरा सैफीनगर या ठिकाणी एक शासनाचा अन्न पुरवठ्याचा अवैध साठा ची वाहतूक होणार असल्याची माहिती मिळाल्यानुसार आमच्या पथकाने जाऊन पुरवठा निरीक्षक यांच्या समक्ष कारवाई केली। त्या कारवाईमध्ये आम्हाला एकूण तांदूळाचे 11 क्विंटल तांदूळ आणि 3 क्विंटल गहू असा मुद्देमाल एका वाहनामधून आणि एका गोडाऊनमधून प्राप्त झाला। त्यानुसार पुरवठा निरीक्षक नागपूर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार आणि केलेल्या पंचनाम्यानुसार आम्ही तहसील पोलीस स्टेशन येथे 402/22 कलम 3(7) जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याच्यामध्ये 2 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे आणि त्यांना न्यायालयाने 1 दिवस पोलीस कोठडी देऊन आता ते न्यायालयीन कोठडीमध्ये रवाना आहेत। याच्यामध्ये आरोपींचा रेकॉर्ड तपासला असता यापूर्वी त्यांच्याविरुद्ध कोणत्याही गुन्हा दाखल असल्याचे दिसून आलेले नाही। 2 आरोपी आहेत आणि एकूण 2,74,000 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त करण्यात आलेला आहे। आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये आहेत। खबरों के सिलसिले में वक्तों चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। कुछ दिन पहले रेती से भरे टिप्पर ने ट्रैक्टर के 6 लोगों को कुचला था, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी और अन्य गंभीर जख्मी थे। आज फिर से ऐसा ही एक हादसा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुस्साए लोगों ने हादसे में मृत व्यक्तियों की लाश को रोड पर रख कर चक्का जाम किया है। टिप्पर मालिक को मुआवजा देने की और उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग ग्रामवासी कर रहे हैं। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच आंदोलन से न्याय की मांग सैकड़ों ग्रामवासी कर रहे हैं। दोपहर 12 बजे से पहलगांव बस स्टॉप गोंदिया तिरोड़ा रोड, सूत्रों से पुलिस ने लाठी चार्ज करने पर ग्रामवासियों ने पत्थरबाजी कर पुलिस गाड़ी तथा पुलिस का विरोध प्रदर्शन किया। बॉडी लेके जाएंगे, अन्यथा बॉडी यही रहेगी और यदि निर्णय नहीं होता है तो कल से फिर और उसमें नया उठाव हमारे गांव ग्रामीण करेंगे। मांगनी मुझे सर, अपन रोडाला चालू सप्ताह में ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कारण कि रोड है सरकार की आणि हे प्रशासन ने काय सर्व मोठ्या लोकांना अधिकार दिला आहे की 75% शेतीवर गेले होते, काय काम करत होते, लोक शेतीवर गेले होते सर, ते खात फेकायला खाली गाडी घेऊन सरी घराला येत होते। त्याच्यानंतर हे जो अवैध गाडी छोटी पर म्हणजे आपला वाळूजा, हां, त्या लोकांनी मागे येऊन फोर्स मारून त्यांना आपल्या कब्ज्यामध्ये घेऊन पूर्ण लोकांना त्या अवस्थेमध्ये। अजनी पुलिस थाना के अधिकारियों ने रिकॉर्ड अपराधियों की जांच करते समय गुप्त मुखबिरों की मदद से मिली जानकारी के आधार पर संशयित व्यक्ति की जांच की। इस जांच में इस व्यक्ति के पास से देसी पिस्तौल, उसकी गोलियों सहित कुल 26,200 रुपयों का माल जब्त किया गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। जब अजनी थाना नागपुर शहर के अधिकारी 13 जून की रात के दौरान रिकॉर्ड अपराधियों की जांच कर रहे थे तो उन्हें गुप्त मुखबिरों के माध्यम से पता चला कि ठवरे हाई स्कूल के पास एक व्यक्ति है जिसके पास देसी पिस्तौल और उसकी गोलियां हैं और वह कुछ अपराध करने के इरादे से वहां आया है। खबर मिलते ही ठवरे हाई स्कूल के पास पुलिस ने जाल बिछा कर उसे पकड़ा और पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम 30 वर्षीय शैलेंद्र उर्फ शानू जयनारायण शुक्ला है और वह अजनी परिसर में रहता है। वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के गांव कोहली खापा का रहने वाला है। आरोपी के पास से देसी पिस्तौल और उसकी गोलियां, ट्रिगर गार्ड मैगजीन, उनका बैरल जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर होकर पिस्तौल के हैंडल के दोनों ओर काला प्लास्टिक कवर है, ऐसा कुल 25,000 रुपयों का माल और 4 जिंदा कारतूस, प्रति कारतूस 300 रुपये मतलब 1200 रुपयों के साथ पिस्तौल मिलाकर कुल 26,200 रुपयों का माल जब्त किया गया है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। दिनांक 13 जून 2022 रोजी अजनी पुलिस स्टेशन के तपास पथकाकडील पुलिस अंमलदार हंसराज यांना त्यांच्या बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली होती की रेकॉर्डवरील आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ सोनू शुक्ला हा त्याच्याकडे देशी बनावटीचं गावठी पिस्तूल व राऊंड बाळगून फिरत आहे। सदर बातमीची हकीकत शहानिशा करून चिमणी चौक ठवरे हायस्कूलजवळ
अजनी येथे सापळा रचून रेकॉर्डवरील आरोपी शैलेंद्र कुमार उर्फ सोनू शुक्ला याला अजनी पोलीस स्टेशनच्या तपास पथकाकडील अंमलदारांनी ताब्यात घेतलं. त्याची अंगझडती घेतली असता त्याच्या अंगझडतीमध्ये एक देशी बनावटीचं पिस्तूल व चार जिवंत काढतूसे मिळून आले. त्यावरून सदर प्रकरणी अजनी पोलीस स्टेशन येथे अपराध नंबर 376/2022 प्रमाणे आरमॅक 325 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदरचा आरोपी जो आहे तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. त्याच्याविरुद्ध यापूर्वीही कुलकेश्वर, अजनी, बुटीबोरी, मोदा अशा ठिकाणी चोरी, दरोडे, पेट्रोल पंपवर दरोडे अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यांनी जे वेपन त्याच्यासोबत बाळगलं होतं ते वेपन त्याच्याजवळ बाळगण्याचा उद्देश काय याबाबतचा तपास त्याच्याकडे करत आहोत. त्याला माननीय न्यायालयात हजर करून त्याची दिनांक 19 जूनपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड मंजूर करून घेण्यात आलेली आहे. ईडी के द्वारा चल रही राहुल गांधी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का आक्रोश देखने को मिल रहा है. इसी श्रृंखला में आज बंटी शेलके इनके नेतृत्व में शहर में निदर्शन किया गया. बंटी शेलके ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारे नेते, हमारे मार्गदर्शक और हमारे देश की अस्मिता किसानों के मसीहा, बेरोजगारी पर आवाज उठाने वाले, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करने वाले ऐसे हमारे सम्माननीय नेता 2024 में होने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी. इनके ऊपर ईडी ने चौथे दिन भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आकर पीछे मोदी आगे ईडी ऐसे बर्ताव के साथ पूछताछ की. नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी को तंग कर रही है, इसलिए इनके खिलाफ और राहुल गांधी के समर्थन में मैं भी राहुल हूँ ऐसा नारा देते हुए नागपुर में निदर्शन किया गया. अधिकारी कार्यकर्ते आहे भारतीय युवक काँग्रेसच्या माध्यमातून जे आहे ज्या पद्धतीने आज आमचे नेते, आमचे मार्गदर्शक आणि आपल्या देशाची अस्मिता म्हणजे खऱ्या अर्थाने जर कष्टकऱ्यांचा आवाज जर बनणारे, बेरोजगारांचा आवाज जर बनणारे, महिलांच्या अस्मितेची रक्षा करणारे असे सन्माननीय आमचे नेते, सन्माननीय 2024 येणारे आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री सन्माननीय राहुलजी गांधी यांच्यावरती आज जो चौथ्या दिवशी ईडी ज्या पद्धतीने ईडी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये जी आहे पीछे मोदी आगे ईडी हा नारा देऊन नरेंद्र मोदी सरकार जी आहे ती छळ करून राहिली. गांधी कुटुंबियाचा कुठे ना कुठे अस्मितेला, त्यांच्या कुटुंबियाच्या अस्मितेला लांछन लावण्याचं काम जे आहे ही सरकार जी करून आली. निरंतर या चौथ्या दिवशी 8-8, 10-12 तास बसून पडताळणी जी करून आली यांच्या विरोधामध्ये आणि सन्माननीय राहुलजी यांच्या समर्थनामध्ये जे आहे सर्व नागपूर शहर युवक काँग्रेसचे आणि भारतीय युवक काँग्रेसचे सन्माननीय राहुलजी गांधी आमचे नेते आणि सन्माननीय त्यांचे सेनापती श्रीनिवाजी कृष्ण आलवेरूजी यांच्या नेतृत्वामध्ये यांच्या मार्गदर्शनामध्ये सर्व युवक जे आहे आय एम राहुल टू मै बी राहुल हा नारा देत की आपने जो है तुम्ही फक्त त्यांच्या अस्मितेला हात नाही लावला, तुम्ही कुठे ना कुठे या देशातल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या अस्मितेला ठेच पोहोचवण्याचं काम जे आहे या ईडी पीछे ईडी आगे मोदी या लोकांनी हे केलेलं आहे. त्याच्यामुळे ना डरेंगे ना झुकेंगे, राहुलजी के समर्थन में इसी प्रकार से जो है हम ये लड़ाई लड़ते आए हैं और इसके आने वाले समय में हम लड़ते रहेंगे. ये आंदोलन जो है ये आंदोलन न रहते हुए एक तरीके से जो है यह सत्याग्रह है. सत्याग्रह आणि उद्या हे संघ मुख्यालय बाजूला आहे. या संघ मुख्यालय जिथे सन्माननीय परमादरणीय मोहनजी बाकवतांचं निवासस्थान आहे, नितीन गडकरींचं इथे सन्माननीय नितीन गडकरी केंद्रीय मंत्री यांचं निवासस्थान आहे, आरएसएसचं हेडक्वार्टर इथे आहे. या हेडक्वार्टरच्या समोर हे नागपूर शहर युवक काँग्रेसचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सन्माननीय आमचे नेते राहुलजी गांधी यांच्या अस्मितेची रक्षा करण्याकरिता आम्ही त्यांच्या समर्थनामध्ये आम्ही इथे आमरण अनिश्चितकालीन उपोषणावरती रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पायथ्याशी संघ मुख्यालयाच्या समोर गांधी गेटवर उद्या 4 वाजतापासून आम्ही आमरण उपोषणावरती राहुलजी गांधी यांच्या समर्थनामध्ये आम्ही तिथे बसणार आहोत. पूर्व ईडी के कार्यालय के सामने नागपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन का आयोजन किया गया था. इस समय कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके विरोध में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने नागपुर के गिट्टी खदान थाने में बयान दर्ज कर शेख हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. और आज 16 जून को शेख हुसैन को गिट्टी खदान थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया. इस समय कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता गिट्टी खदान पुलिस थाने के बाहर उपस्थित थे. शेख हुसैन को बेल दी गई है, जिस पर कांग्रेस के आमदार विकास ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. घटने मध्ये ते वक्तव्य बोलले होते त्या संदर्भात बोला असेल, पण मला वाटतं एवढं काही अर्जन्सी नव्हती. कारण की नागपूर शहरामध्ये मोक्याचे अनेक आरोपी ज्यांनी क्राईम केलेले असे अनेक आरोपी फरार आहे, त्यांच्यावर पोलिसांकडनं कारवाई होत नाही. आणि जर एका राजकीय व्यक्तीबद्दल कोणी बोललं असेल तर तुरंत त्यांना बोलवण्यात येते
तर मला वाटते की हा भेदभावपूर्ण पक्षपाती निर्णय पोलिसांचा होता, या संदर्भात आम्ही आयुक्तांशी चर्चा करणार आहोत. बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज. नमस्कार.